तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। इतने टाइम से ये शब्द बोलने के लिए मैं तरस रहा था, और एकदम से मेरे बाल ऐसे देख के आपको अजीब लग रहा होगा, तो इसकी कहानी आपको आगे पता लग जाएगी, तो वीडियो पूरी जरूर देखना। वीडियो के एंड में एक सरप्राइज भी है, बस इतना ही कहना था। और हाँ, मैं सबको कहना चाहता हूँ दिल से सॉरी कि मैंने 10 महीने तक वीडियो नहीं डाली है। हाँ, लास्ट वीडियो हमारी जो थी वो 10 महीने पहले डाली थी इस चैनल पर, तो पूरे 10 महीने पहले मैंने वीडियो डालनी छोड़ दी थी, ये सोच के कि अब जो वीडियो डालूंगा वो इंडिया के किसी वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज से ही डालूंगा। तो फिर मैंने बस उसकी तैयारी शुरू कर दी। नाउ आई एम हियर एट दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, मदर ऑफ कॉलेजेस लाइक IIT दिल्ली, IIIT दिल्ली, NSUT, IGDTW etc. तो अब जो आपने 10 महीने वेट करा है वो बिल्कुल भी बेकार नहीं जाने वाला है, क्योंकि अब जो आपको आने वाला कंटेंट देखने को मिलेगा वो नेक्स्ट लेवल होगा। अभी तक मैं स्कूल में था, पर अब आपको कॉलेज लाइफ एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा, और वो भी इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज से। तो ये है मेरे कॉलेज का फर्स्ट वीक। अब स्टार्ट करते हैं हम मेरे फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज से, जो कि है ओरिएंटेशन वाला दिन। लेट्स गो। यार मुझे पहले दिन लेट करना चाहती हूँ। कॉलेज बॉय बन गए आप? मेरा छोरा जा रहा है कॉलेज। चले मम्मी, कॉलेज के लिए तैयार हो? लेट्स गो। लाएंगे, मैं ही लेके जा रहा हूँ क्या कॉलेज? तू नहीं जा रहा क्या? मैं क्या लेके जाऊंगा, क्लास थोड़ी है, ओरिएंटेशन। क्या ही फायदा ऐसी चीजों का कॉलेज में? कॉलेज में कौन कॉपी किताब ले जाता है भाई? फाइनली दोस्तों, हम कॉलेज को प्रस्थान करते हुए। नमस्ते, पधारो महरो कॉलेज। हाउ मम्मी,
फाइनली दोस्तों हम अपने कॉलेज पहुंच चुके हैं। अंदर अभी ओरिएंटेशन की स्पीच वगैरह चल रही है और यहाँ पर अभी फूड मेरे ख्याल से चालू होने वाला है। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। ओह भाई साहब, ठंडा ठंडा पानी देखते ही आहा, मज़ा सा आ गया। अभी खाना खाते हैं और चलते हैं। तो ओरिएंटेशन वाले दिन के बाद आया द फर्स्ट ऑफिशियल डे ऑफ कॉलेज, जिस दिन से क्लासेस स्टार्ट होनी थी। तो इंतजार किस बात का, आगे बढ़ा जाए फिर। बाय मम्मी। तो फाइनली आज है मेरा कॉलेज का फर्स्ट डे। अभी पापा मेरे को वाटर स्टेशन पे छोड़ के चले गए हैं। मुझे लगता है मैं पहले दिन लेट होने वाला हूँ। मैं स्कूल भी आज तक कभी टाइम पे नहीं गया और आज कॉलेज ही पहली बार जा रहा हूँ, तो उसमें भी लेट। कॉलेज वैसे भी इतना दूर हो गया, स्कूल तो पास था एकदम, तब भी लेट जा पाता मैं। तो फाइनली फिलहाल मैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ जा रहा हूँ और जैसा कि मैंने सोचा था कि कॉलेज के पहले दिन भी मैं लेट ही हूँ। अभी 9 बजे से मेरी क्लास थी और 9:05 हो रहे हैं शायद, अभी देखते हैं क्या होता है। एक तो भाई कैंपस इतना बड़ा है, अंदर तक पहुँचने में ही 5-10 मिनट लग जाते हैं क्लास तक। बस ऑलमोस्ट पहुंच गया। ओह माय गॉड। तो दोस्तों फिलहाल मैं अभी वैसे ही आसपास घूम रहा हूँ। अभी मैंने देखा नोटिस बोर्ड पे कि क्लास कहाँ पर है और मेरे फोन में सिग्नल नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। ना तो इंटरनेट चल रहा है, ना ही कोई और सिग्नल आ रहा है, ना फोन लग रहा है। बस फोन सुन सकता हूँ मैं अगर किसी का आ रहा है तो इसलिए मैंने अभी पापा का फोन करा किसी को मांग के, और मैंने एक अपने क्लासमेट को फोन करा पूछने के लिए कि कहाँ पर है। तो वो लोग अभी आ रहे हैं, तो अभी 5-10 मिनट में जब आ जाएंगे तब चलते हैं अंदर क्लास में। और एक चीज दिखाऊं, ये पता है वही लाइब्रेरी है अभी थोड़े दिन पहले जहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत आए थे अपने कॉलेज में विजिट करने, यहाँ पर भी घूमे थे। वो वीडियो आपने देखी होगी, मिक मैक, बहुत पुरानी कैंटीन है ये, मिक मैक नाइट कैफे। कृपया खाना खाने के बाद टेबल खाली कर दें। ओ भाई ये क्या है, इसकी भी क्लास है भाई? तेरी कौन सी क्लास है? ये भी नया एडमिशन है। अपनी तरफ बनाए थे इसके रैंक 1। ये हमें विजन खराब बता रहे हैं क्या भाई? मेरे को दिखी नहीं तारीख। यही तो विजन ही तो चेक हो रहा है, मैं विजन है भाई। तो देखो DCADUV भाई, तेरा ऐसा कुछ ही हो, तेरा भाई का कुछ नंबर गया, खत्म, तेरा नंबर पड़ गया, तेरा भी इतना नेक्स्ट ईयर इतना होगा तेरा भाई। ऐसे कुछ नहीं करना पड़ेगा भाई। माइक सेट हो गया भाई, स्टार्ट नहीं हुआ, सिर्फ माइक स्टार्ट हुआ है। बंद होता रहता है। ओरिएंटेशन में आया था, चल कमरा था। ओरिएंटेशन में आया तू? एक दिन आया था। क्या हुआ था? कुछ नहीं, मैं सोसाइटीज वाले दिन आया था। सोसाइटीज का बता रहा था इसमें क्या क्या होता है, फिर तो अच्छा नहीं आया। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारे कॉलेज का पहला दिन है। यो, क्योंकि हम गेम खराब करना चाह रहे हैं पर आई गेस, बट इनकी गेम दिखाई जाए भाई। ये तो प्रो लग रहा है भाई, रोज खेलता है भाई। इनकी उंगलियां बड़ी बढ़िया काम कर रही हैं इस चीज के ऊपर। बाकी हम लोग तब तक थोड़ा आगे बढ़ के इन गोदी वाली लड़की से बात करते हैं। आपका नाम? तैयार हूँ, चुप रहे जा आगे।
जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरी बेइज्जती हो गई है। क्या नाम है? बाबा युवराज। सो मेरे को एक चीज पता लगी है कि हाथ बढ़ा के नाम पूछेंगे तो ही नाम पता लगेगा। इधर हमारी पूरी गैंग है, देसी बंदा पर तैना बंदा। क्या नाम है भाई तेरा? अमृत। अमृत हाय सर। हाय, इसका नाम था इनेश जैन। इनेश जैन, ये हमारे रुद्र जी, हमारे रुद्र। ये दोनों हॉस्टल वाले लड़के हैं। ये लोग सुबह 8:56 पे उठ के भी 9 बजे पहुंच सकते हैं। ये हमारे आए हैं पुणे से बंदे युवराज। युवराज, अबे हाँ। और इनके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था अभी। ये हमारे जम्मू कश्मीर के भाई है। ओ सही है, जेके भाई, जम्मू कश्मीर। चलो सब सही है, पर ये सेब नहीं लेके आए तो हम गुस्से में। ओहो सेब। चलिए अभी का व्लॉग हम इतने पे समाप्त करते हैं। खत्म इंट्रो। बढ़िया भाई, बढ़िया। जंगल में है भाई कॉलेज अपना। हेलो गाइस, तरह तरह का कंटेंट बन सकता है। अरे भाई, तू मेरे साथ पीयूष वाला कंटेंट क्यों दे रहा है? ओ डैम भाई, इसके पैसे लगेंगे भाई। पीयूष को जैसा पीसी मिलता है डीपीएस में, पढ़ाई मिलती है, उसके बाद कार और एंगल, एक थार चाहिए बस। साल भर का कंटेंट फ्री मेरी तरफ से। भाई कैसे हो भाई? महाराज बढ़िया भाई, बढ़िया भाई साहब। अभी हम यहाँ पर इतनी देर से बैठे हैं और अभी कोई आया ही नहीं है, तो मैं सोच रहा था कि मैं लेट हूँ, पर नहीं, मैं लेट नहीं हूँ क्योंकि यहाँ तो क्लास ही स्टार्ट नहीं हुई है। डीपीओ की वीडियो 12 जानी चाहिए। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, होता है। उसके बाद आज व्लॉग बना रहा हूं मैं। बंदा है ऊंचाई ऊंच रहा कि पेपर कैसा गया। मैं तो ऐसे ही आया ना, मैं घर गया, घर पे मेरे दोस्तों के मैसेज आ रहे भाई तुमने क्या कर दिया, तो ऐसा क्या हुआ है। देखो लोग वीडियोस भेज रहे, बंदे ने मेरी सैवेज सिग्मा मेरी वीडियो डाल दी। मैंने सोचा यार हटवाओ, क्योंकि मेरे को नहीं दिखा रही थी शक्ल अपनी। मैं देख रहा 10,000 व्यूज ही जो है अगले दिन 4,000, तो अब तेरे आएंगे। ऐसा क्या कह दिया तूने? अबे मैंने यही भाई, मैंने तो सीधा सीधा बोल दिया। मेरे को वो मुझसे पूछ रहा मैथ का सबसे कैसा था, केमिस्ट्री का कैसा था। अब मेरे को नहीं पता, तो ऐसे ही आया, उल्टी सी दी, देना भी नहीं मेरे को। कोई इंटरव्यू ले रहा होगा तेरा? हां, उसको बोला कि दूसरा सेट हो यार, मेरा भी छोड़ो। ले लिया भाई, ये वाला ड्रॉप ईयर है। हमारे भाई को नींद आ गई है दोस्तों। AIR1 बोर हो गया है यहाँ पर DTU में। यहाँ पर पता नहीं क्यों भीड़ लगी हुई है। इधर देखते हैं क्या सिस्टम चल रहा है। तो भाई मैम को जो हमें समझाना था पहले दिन, वो मैम ने समझा दिया हमें। राम राम भाई, सारण है। राम राम भाई, राम राम। ओके भाई, ओके भाई, ओके भाई, ठीक है भाई। तो दोस्तों ये मैं वैसे ही इधर उधर घूम रहा था और अभी हमें बोला गया है कि अभी हमें 5 बजे तक यहीं कॉलेज में रुकना है, बाहर नहीं जाना कॉलेज। बाकी देखो अब क्या होता है। यहाँ पर ये बदतमीज बच्चे DTU की बॉल फाड़ते हुए। बन गई मेरी ये तो कदम ट्रिप है ना। नहीं नहीं ये करते हुए इसकी बना रहा करते हुए कैद हो चुका है। अभी गिरते हुए कैद होता है। क्या खेलेगा, क्या खेलेगा? फुटबॉल खेलेंगे भाई साहब। ये रास्ता तो पहली बार ही पता लगा मुझे, सही शॉर्टकट है तो फोर्थ कॉम्प्लेक्स जाने का। भाई बियर व्हील्स बनेंगे यहाँ तो, बियर व्हील्स। ये देखिए हम यहाँ जंगलों में आ चुके हैं और यहाँ बंदर भी खा सकते हैं हम अगर भूख लगे तो। भाई फोन डाल लूं भाई, छीन के भाग जाए। भाई हम पागल हैं यार, इतनी गर्मी में क्यों आए हम यहाँ। देख लो भाई, ये है DTU का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। यहाँ वॉलीबॉल कोर्ट है, यहाँ पर मेरे पीछे बास्केटबॉल कोर्ट है, वहाँ सामने इंडोर हॉल है, उसमें अलग अलग स्पोर्ट्स हैं, 8-ball पूल है वहाँ पर, और मेरे ख्याल से टेनिस वगैरह उसमें प्रॉपर, मुझे भी नहीं याद क्या था। ये सामने फुटबॉल ग्राउंड है। बाकी मैं प्रॉपर कैंपस टूर कभी आने वाली वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों ये मैं जा रहा हूँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तरफ। अभी सीनियर्स इंट्रो वगैरह ले रहे थे तो काफी बढ़िया था इंट्रो वगैरह, तो इसी जंगल के एरिया से मैं जा रहा हूँ बियर व्यूज की तरह। गॉड हेल्प मी भाई, मुझे सबसे पहली चीज तो देखनी है जिम। मैं जिम अब तक नहीं देख पाया। लास्ट टाइम जब मैं एडमिशन के टाइम आया था तब जिम बंद हो गया था, तो मैंने सिर्फ बाहर से झांक के देखा था जिम। आज अगर खुला होगा तो देख कर जाऊंगा, तो अब जिम स्टार्ट करना पड़ेगा। तो भाई अभी मैं प्लान बना के जा रहा हूँ जिम की तरफ, अगर बंद नहीं हुआ होगा तो देखता हूँ। Tell me now, I guess I'll never know. Here we go.
तो भाई फिलहाल मैं जिम तो देखा हूँ, देखना पड़ेगा अब टाइम कौन सा सूट करेगा मुझे, लेट्स सी। बाकी जो इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है उसमें मैंने NCC ज्वाइन कर लिया, तो वो भी अलग बैंड बजाएंगे, तो हो सकता है उस दिन मैं जिम ना करूँ या फिर जो भी होगा, चलो देखेंगे, अपने आप ही कुछ ना कुछ प्लान बन ही जाएगा। अभी शाम के बस 5 बजने वाले हैं, तो देखते हैं अब घर चलते हैं, मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने वाली है। मैं भी अभी कॉलेज से आऊँ, पता है, चलो रेडी। ब्लॉग भी बन रहा है क्या आज? यस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग्स गाइस। मम्मी मामा आया। और क्या बना रही हो? इसके लिए मम्मी भाई मैं थक गया कॉलेज से, इतना बड़ा कॉलेज है, मेरे पैर में दर्द हो गया भाई, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी। अरे फिर भी जाना पड़ता है, इधर उधर कहीं कैंटीन जाए गए या फिर नेस्कैफे गए कुछ गए। द नेक्स्ट डे। तो दोस्तों फिलहाल वी आर गोइंग टू प्ले फुटबॉल। रोका साहब बोल। अरे चलना आगे खींचना। मैं खींचू क्या? मैं तो पूरा अकेला भी उठा दूंगा ये। ये देख, उठाओ उठाओ, चलो एक बार अकेला उठाऊंगा। अभी तो अकेला कह रहा है। तो अकेले ही उठा लो। मेरा ग्रिप नहीं बन पा रही ढंग से। तो बना भाई ग्रिप बना। पैर पे तो है अभी भाई। ये है क्या हमारा ग्राउंड? मतलब क्या तू बताना चाहता है कि हम नूब है? हाँ नहीं भाई, नवा ना इतने बात खेलो ना, मेरी बैंड बच चुकी है। हट चलते हैं भाई अब। बस चल। तो दोस्तों अभी मैं फुटबॉल वगैरह खेल के OAT की तरफ आ गया हूँ, और यहाँ पर ये पता नहीं क्या कोई शॉर्ट फिल्म वगैरह बना रहे हैं। चलो चल के देखते हैं भाई साहब, आज बहुत दिनों बाद इतना खेला मैं। ये है OAT जहाँ पर सारे इवेंट्स वगैरह होते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन हर्ष गुजराल वगैरह सब अभी रिसेंटली आए थे, जो यहीं पर ही सारे इवेंट्स होते हैं। ये सपोर्ट कर रहा है, इसको सब पता है यहाँ क्या हो रहा है ना, तेरे को सब पता है ना क्या हो रहा है? सब पता है। तुझे लगता है गलत जगह खेल रहे हैं? ओ नहीं मत करना। भाग बेटा भाग। हेलो बोल भाई। हेलो हेलो भाई रुद्रांश जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया भाई। कैसे आज GoPro से वीडियो बना रहा है भाई? भाई ये व्लॉग मैंने टेक ओवर कर लिया एक्चुअली, अब से ये युवराज सिंह व्लॉग चैनल मेरा है। ठीक है भाई, ठीक है। कैसे लग रहा है आपको ये जाना? मेरा काम कम हो जाएगा। व्लॉग मैंने टेक ओवर कर लिया। हाय गाइस, वेलकम गाइस, हाय टू माय चैनल, मेरा व्लॉग है अब। ठीक है भाई, ये ले भाई ब्लॉक कर क्या? पीस 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 की तरह मेरी ब्लॉगिंग की पीस। गाइस ये बनिया माइंडसेट, इसे छोड़। ये ले ब्लॉक कर। ओ वहाँ पे शूटिंग चल रही है, मतलब पिक्चर, सस्ती पिक्चर की शूटिंग चल रही है हमारी। और क्या तुम्हारे उसको खा क्या पूरा ना खा। हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल माय गाइस, ये हमारा कॉलेज है। तो मिलते हैं गाइस बाद में, कल परसों जब भी ग्रो प्रो आए बाद फिर। बाय। कितने टेक, क्या कंटेंट बनाया भाई आपने मेरे लिए? हमने आपके लिए वो शूटिंग वूटिंग ब्लॉक कर दी। ओ अच्छा, ये देखिए डायरेक्टर साहब ये देखिए, इतने बड़े डायरेक्टर साहब आज हम फोटो खिंचा रहे हैं। देखिए ये देखिए इनका सेटअप, लाइट्स कहाँ था आपकी? ओ नेचुरल लाइट, इसे कहते हैं बड़े डायरेक्टर भाई। ड्रोन शॉट ले रहे हो ना? हट। अच्छा ड्रोन शॉट, ड्रोन शॉट। ओए ओए भाई भंगड़ी ना लग जाए मेरे भाई। ड्रोन शॉट प्रोडक्शन है भाई, बना लेंगे भाई। हेलो नमन। ठीक है भाई बंद कर दिया मैंने। गाइस मैं आपको दिखाऊंगा बिहाइंड द सीन यू भी क्या करते हैं। तूने कहा था बंद कर दिया। भाई बंद हो गया सही में। ओए चल छोरा, कैसा लग रहा है तेरे को इतने बढ़िया ड्रोन शॉट लेके? भाई फैमिली फ्रेंडली है। हां फैमिली फ्रेंडली है, फिर छोड़ दे मत। चलो भाई अब चलते हैं घर, बहुत देर हो गई कॉलेज में। मेरे ख्याल से 5-6 बज होंगे, टाइम ही नहीं पता, 6 बजने वाले हैं, 5:56 हो गए, लेट्स गो। बाकी और तगड़ी तगड़ी वीडियो आने वाली है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, कंटेंट आने वाला है, एक नंबर। बाय, गुड बाय। फिर एक शाम मैं कॉलेज से आके अपने लंबे लंबे बालों के साथ खेल रहा था, और मेरे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है
कि कल सुबह 8 बजे आपकी एनसीसी की क्लास है, कृपया करके प्रॉपर हेयर कट में आए और दाढ़ी शेव करके आए। तो बस फिर हमने सोचा कि डंडे खाने से अच्छा है कि बालों का बलिदान ही दे लिया जाए। इसमें दो राय क्या है, निकल लिए अपने बालों कटवाने। नहीं मैं रो नहीं रहा हूँ, पंखा नहीं चल रहा ना तो पसीना आ रहा है। ओके बाय, आगे वीडियो देखो। Next morning. भाई कितना खाली लग रहा है डीटी यार, मेरे सर पे हवा भी लग रही है आज तो। पहुंच चुका है एनसीसी, यहाँ पर मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा है, पता नहीं कहाँ सब लोग। भाई हमारी क्लास चालू होने वाली है। भाई तेरे पेरेंट्स को भेज रहा हूँ मैं, इसलिए फीस भरी है। इसलिए फीस भरी है यार, गेम ही खेल रहा है लैपटॉप में। भाई वो भी गेम ही खेल रहा है लैपटॉप में। भाई तू भी गेम ही खेल ले, पता चलते गेम खेलने की। भाई मैं तो टॉम रेडर खेलता हूँ। खेल 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 भाई, सब खेल रहे हैं, कोई पढ़ने थोड़ी है। चार्जिंग पे लगा के खेलने में ज्यादा सही रहता है। भाई मैं ही हूँ एक शरीफ जो कॉपी खोल के बैठा हूँ। ये देखिए गाइस, अभी शुरू हो चुका है भाई, मेरी नहीं। बात मानते हुए ये देखो और वो देखो। गिरीश भाई स्क्रीन घुमाइए जरा यार, अपनी स्क्रीन घुमा दे एक बार अपनी यार प्लीज। तो बस फिर इसी के साथ हमारा खत्म होता है कॉलेज का पहला हफ्ता। मुझे उम्मीद है आपको मजा आया होगा वीडियो देखकर। और हाँ, जो सरप्राइज वाली बात थी वो ये है, मैं कुछ बहुत बड़े क्रिएटर से मिला और उनसे रिलेटेड अभी वीडियो भी आने वाली है। तो अगर मैं आपको गैस करवाना चाहूँ तो वो भी किसी घर में थे, तो बस इतना काफ़ी है। तो वीडियो आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट तो कर दो यार, अब तो कर दो, इतने दिनों बाद में आया हूँ। और वीडियो को सारे में ज़रूर शेयर करना। और हाँ, जो स्पेशली DTU वाले हैं वो तो बिल्कुल शेयर करना, क्योंकि ये तो यूनिटी वाली बात आ गई ना, तो वीडियो को सारे DTU में फैला दो। आज वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।